Hey guys, this is Raj Kadam and I'm back with another video. So, आज की वीडियो में मैं आपको एक फैट लॉस डाइट देने वाला हूँ, फुल डे ऑफ ईटिंग फॉर फैट लॉस। तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था फुल डे ऑफ ईटिंग फॉर गेनिंग मसल्स, जो आपको यहाँ पे आ रहा होगा, एंड उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि आई शुड अपलोड अ फुल डे ऑफ ईटिंग फॉर फैट लॉस। सो इस फुल डे ऑफ ईटिंग के पूरे कैलोरीज एंड मैक्रोज आपको यहाँ पे नीचे आ रहे होंगे। सो दिस वीडियो विल हेल्प यू टू गेट आइडिया अबाउट द फैट लॉस डाइट। सो मैं अभी कटिंग कर रहा हूँ, आई एम ऑन फैट लॉस डाइट। तो मैं आपको मेरा पूरा फुल डे ऑफ ईटिंग बताऊंगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस फुल डे ऑफ ईटिंग, दो सबसे इम्पोर्टेंट मील्स होती है। एक होता है ब्रेकफास्ट, जिसमें हम फास्ट ब्रेक करते हैं एंड वी कंज्यूम फर्स्ट मील ऑफ द डे, एंड एक होता है पोस्ट वर्कआउट मील, जो मेरी लास्ट मील होती है, एंड दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। सो वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो पोस्ट वर्कआउट के बाद खाते हैं, सो इट शुड हैव इनफ प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट। एंड द सेकेंड थिंग इज, पोस्ट मील के बाद मैं फास्टेड स्टेट में होता हूँ फॉर अराउंड 8 to 10 hours। सो दिस इज वाई दिस टू मील आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सो इट्स टाइम फॉर माई फर्स्ट मील ऑफ द डे, विच इज ब्रेकफास्ट, एंड ब्रेकफास्ट में मैं ओट मील कंज्यूम करता हूँ। इस ओट मील में 70 ग्राम ओट्स है, 5 almonds, 5 ग्राम फ्लैक्स सीड्स, सम सिनेमन पाउडर एंड हाफ स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। सो दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट मील ऑफ द डे, एंड ये लो कैलरी हाई वॉल्यूम फूड है। ऑल द मील्स आई कंज्यूम आर गोइंग टू बी इन लो कैलरी एंड हाई वॉल्यूम फूड्स। जो भी मैं खाता हूँ उनमें कम कैलरीज होती है एंड रिलेटिवली वॉल्यूम ज्यादा होता है, एंड दे आर ऑल्सो फुलफिलिंग। ये सब मील्स आपको बहुत देर के लिए फुल रखेंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द क्रेविंग्स, हंगर, स्टार्विंग एक्सेट्रा। आप इस डाइट प्लान को फॉलो करते हुए इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कर सकते हो, इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आई विल मेक अ वीडियो ऑन इंटरमीडिएट फास्टिंग नेक्स्ट वीक, सो उसके लिए सब्सक्राइब करके रखो। एंड इंटरमीडिएट फास्टिंग में क्या होता है कि यू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ फास्टिंग टाइम। तो हम जब फास्टिंग करते हैं, मतलब जो नाइट में हम खाते नहीं है, दैट्स द फास्टिंग स्टेट, हम उस पीरियड को इंक्रीज करते हैं लाइक फॉर 16 hours। जो हमारे 8 hours बचे हुए रहते हैं, उन 8 hours में हम पूरे जो भी मील्स हमारे रहते हैं वो कंज्यूम करते हैं। सो एट लास्ट यू कैन नॉट ईट दैट मच ऑफ फूड इन जस्ट 8 hours, बिकॉज एक मील के बाद यू विल बी फुल एंड आपको भूख लगने से पहले ही यू विल बी हैविंग सेकेंड मील ऑफ द डे। सो यू कैन फॉलो दिस टाइप ऑफ अप्रोच टू, मैं इस पे फुल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा सब एक्सप्लेन करूंगा हाउ इंटरमीडिएट फास्टिंग वर्क्स एंड इसके क्या क्या फायदे, उसके लिए बने रहना। सो मिलते हैं सेकेंड मील ऑफ द डे पे। इट्स टाइम फॉर माई सेकेंड मील ऑफ द डे, एंड सेकेंड मील लंच होता है मेरा। उसमें मैं 1.5 चपाती खाता हूँ, उसके साथ में 4 egg whites एंड 1 whole egg की भुर्जी खाता हूँ, एंड उसके साथ सैलेड रहता है। सो दिस इज माई सेकेंड मील ऑफ द डे, एंड इसके प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड कैलोरीज आपको यहाँ पे नीचे आ रहे होंगे, एंड आप सैलेड की क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हो। एंड भुर्जी बनाते वक्त मैंने सिर्फ 1 tablespoon ऑयल यूज किया है, मैंने ये घी में बनाई है बिकॉज मुझे घी की टेस्ट बहुत अच्छी लगती है। सो आई एम गोइंग टू फिनिश दिस मील नाउ, एंड आपसे मैं प्री वर्कआउट मील में मिलता हूँ। इट्स 5 PM राइट नाउ, एंड इट्स टाइम फॉर माई थर्ड मील ऑफ द डे, जो की होती है मेरी प्री वर्कआउट मील। एंड इस प्री वर्कआउट मील में मैं सेम वही खाता हूँ जो मैं ब्रेकफास्ट में खाता हूँ, विच इज ओट मील। ये ओट मील में 70 ग्राम ओट्स लेता हूँ, 5 almonds लेता हूँ, 5 ग्राम ऑफ फ्लैक्स सीड्स, सम सिनेमन पाउडर एंड हाफ स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। ये ओट्स में पानी में बनाता हूँ, जिससे की आई विल बी इन कैलोरी डेफिसिट। ये लो कैलोरी मील बन जाती है पानी को यूज करने से, जो भी मिल्क से कैलोरीज आते हैं वो पूरे रिमूव हो जाते हैं, एंड आई कैन एंजॉय दिस मील। सो इट्स 6:30 राइट नाउ, एंड मैं अभी जिम को जाने वाला हूँ। सो जिम को जाने से पहले मैं प्री वर्कआउट में ये कॉफी लेता हूँ, ब्लैक कॉफी। इसमें एक पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने डाला है, जिससे कि अच्छा पंप आता है बिकॉज ऑफ सोडियम। आई एम गोइंग टू ड्रिंक दिस नाउ, एंड अभी जिम को जाऊंगा, एंड अभी लास्ट मील ऑफ द डे को मिलते हैं। So I'm back from the gym, and it's time for my post workout shake. I'm going to have 1 scoop of whey protein and 5 gram of creatine. So I'm going to drink this now, and I'll be last meal of the day pe milte. It's going to be dinner. It's time for my last meal of the day, which is going to be dinner. Dinner mein main 4 egg whites khata hu, uske sath main 1 whole egg khata hu, and 1.5 chapati,
उसके साथ जो भी सब्जी बनती है या फिर जो भी अमटी करी बनती है वो खाता हूँ, एंड लॉट्स ऑफ सैलेड। एंड अभी सैलेड के जगह पे मैं वाटरमेलन खाता हूँ जिससे कि मेरा पेट भरा रहता है। सो इस मील के मैक्रोज आपको यहाँ पे नीचे आ रहे होंगे, एंड अगर ये खा के भी अगर आपको भूख लगती है यू कैन ईट वाटरमेलन जितना भी आप चाहते हो। सो दिस वॉज माई फुल डे ऑफ ईटिंग फॉर फैट लॉस। आई नो यू आर हाईली मोटिवेटेड टू स्टार्ट दिस डाइट प्लान, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस डाइट प्लान यू शुड नो दैट यू आर इन कैलोरी डेफिसिट। यू शुड बी इन कैलोरी डेफिसिट फॉर फैट लॉस। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा। जितना आपको फूड कंज्यूम करना पड़ता है टू मेंटेन द वेट यू हैव उससे कम आपको खाना पड़ेगा, जिससे कि हमारी बॉडी फैट यूज करेगी फॉर द एनर्जी फॉर द एक्टिविटीज वी डू। सो आपको कैलोरी डेफिसिट में होना पड़ेगा। मैं एक मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, सो गो देयर एंड आपके मेंटेनेंस कैलोरीज निकालो। मैं एक इस पे भी वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू मेंटेन योर कैलोरीज, बट सब्सक्राइब करके रखना, अ लॉट ऑफ कंटेंट इज कमिंग सून। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड आई मेक फिटनेस रिलेटेड कंटेंट लाइक ब्लॉग्स, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, हेल्दी रेसिपी वीडियोस एक्सेट्रा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ कंटेंट सब्सक्राइब करके जाना, एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।